जहां की सामने मेरे एशिया कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और ई एशिया कप में भारत को पहले मुकाबला 2 सितंबर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाओ। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया बहुत ही जोरों की तैयारी पर चल रही है और साथ ही पाकिस्तान की टीम भी टक्कर देने का मूड में है। लेकिन आज मैं थाने एक खिलाड़ी का नाम बता दूं जो कि एशिया कप में बहुत ही ज्यादा रन मारे भी कप्तानी के रूप में रहेगी। भी खिलाड़ी थे सब का सब जानो और शायद ही कोई दर्शक होगा जो कभी खिलाड़ी को फैन नहीं हुए। तो चलो वीडियो शुरू करा। वीडियो में बात कर सके अब तक एशिया कप में ऐसा कौन सा कप्तानी जगह सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर 5 पर आवे है सौरभ गांगुली का नाम। सौरभ गांगुली 2004 में टीम इंडिया की कप्तानी करी और टीम इंडिया की कप्तानी करते करते सौरभ गांगुली 2004 के एशिया कप में 244 रन आपका नाम करा जो कि कप्तानी के रूप में एशिया कप में सबसे ज्यादा स्कोर हो। बी के बाद में अगर हम बात करें 4 नंबर पे तो चौथे नंबर खिलाड़ी का नाम है शाहिद अफरीदी। अफरीदी पाकिस्तान की टीम से खेला करते और 2010 में अफरीदी ने आपकी टीम के लिए 265 रन बनाया बेबी टीम की कप्तानी के रूप में। अफरीदी के बाद में अगर बात करें नंबर 3 खिलाड़ी के बारे में तो नंबर 3 पर आवा है श्रीलंका कप्तान जो कि 1997 में आपकी टीम के लिए कप्तानी में रहते 272 रन बनाया। ये सब रन एशिया कप का एक सीजन का रन ही। एक के बाद में बात करें दूसरे नंबर खिलाड़ी के बारे में तो भी मामा है रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा 2017 में टीम इंडिया की कप्तानी करी और 20 साल रोहित शर्मा एशिया कप भी टीम ने जीते हो और रोहित शर्मा 20 साल बतौर कप्तान 317 रन टीम के लिए बनाया। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक खिलाड़ी के बारे में जो कि नंबर 1 की पोजीशन पर आवे है कप्तानी के रूप में एशिया कप में अब तक एक खिलाड़ी का सबसे ज्यादा रन ही। एक खिलाड़ी का नाम है एमएस धोनी। जी हाँ, एमएस धोनी 2008 में टीम इंडिया के लिए कप्तानी करी और एशिया कप में टीम इंडिया की ओर से 327 रन बनाया जो कि सबसे ज्यादा रन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर थाने वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।